तो सबसे पहले जानिए कि जो हमारा वर्ड है वो ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्केलेटर ड्राफ्टिंग, बुक राइटिंग वगैरह ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सबसे पहला पेजेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला है कवर पेज। कवर पेज इट मींस जब भी आप कोई बुक्स बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये स्कूल में कॉलेज में भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे, तो उसमें आपका एक कवर पेज होता है, फर्स्ट पेज, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है, बुक है तो बुक की इंफॉर्मेशन होती है, तो या भी आपको कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। तो कवर पेज का इस्तेमाल किस लिए होता है? कवर पेज का इस्तेमाल होता है कि आप अपने कोई भी आपका जो भी बुक ये है आप बना रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसकी कवर के लिए। तो एक तो नॉर्मली आप लिख सकते हो जैसा आप लिखना चाहते हो, लेकिन चाहो तो आप इसकी डिजाइन स्टाइलिश और डिजाइनिंग भी दे सकते हो। कवर पेज पे जब क्लिक करोगे आप साइड में, तो आपको ये ऑप्शंस देगा चूज करने का कि किस तरह का कवर पेज आपको चाहिए। तो मिस्टर खान एंड ममता जी, आप समझ गए नहीं कवर पेज क्या होता है? जी सर। हाँ, तो आपको कवर पेज कैसा चाहिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट पे कौन सा सूट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, इसको आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए ये टेम्पलेट्स आपके लिए काफी नहीं है, इसमें से कोई टेम्पलेट्स पसंद नहीं आ रहा है, तो मोर कवर पेज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट के पास चाहिए, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा और भी आपको बहुत सारे कवर पेजेस मिलेंगे, लेकिन इसके लिए इंटरनेट का कनेक्टिविटी होना जरूरी है। ठीक है, तो कवर पेज जो आपको पसंद आया तो उसको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करना है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट उसी कवर पेज की स्टाइल में आ जाएगा। जैसे कि अगर इसको मैं थोड़ा सा व्यू यहां से व्यू को अगर कम करता हूं, तो आप देखेंगे कि कवर पेज कैसे राइट होता है। अब यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट की टाइटल, जैसे कि मैंने दे दिया एमएस वर्ड, सिर्फ आपको चेंज करना है वर्ड ट्रेनिंग, सब टाइटल जो भी देना दे सकते हैं, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन चीजें, और जरूरी नहीं कि इतना ही है, इसमें कुछ और चीज ऐड करना चाहते हो तो आप और चीजें भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कवर पेज क्या कैसे होता है समझ में आ गया कवर पेज के बारे में? आगे बढ़े, अब बात करते हैं ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में। हेलो। हाँ, तो जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, अब मुझे इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए। अब मान लीजिए ब्लैंक जगह के लिए हम एंटर प्रेस कर लेते हैं, तो मेरे पास ब्लैंक जगह आ जाता है, खाली जगह, लेकिन मुझे इसमें एक ब्लैंक पेज ही चाहिए इन दोनों के बीच में। आपने बुक्स में और भी जगह पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे गैप होता है दोनों के, मतलब ये एक पेज में कुछ ही वर्ड लिखा होता है तो अगला पेज ब्लैंक होता है। तो ब्लैंक पेज लाने के लिए आप यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल नया और ब्लैंक पेज मिल जाएगा। लेकिन ब्लैंक पेज तो एक नई पेज देता है, एक होता है पेज ब्रेक, मतलब कि ये पूरा जो हमारा ड्राफ्ट है ये एक ही पेज के ऊपर है, मैं इसको दो पेज में करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे नीचे दूसरे पेज में आ जाए, क्योंकि तो दोनों इंफॉर्मेशन रिलेट नहीं करती है, इसलिए इनको अलग अलग पेज पे करना है। ठीक है,
तो उसके लिए यहां हमारे पास पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है। पेज ब्रेक कर लेंगे तो दूसरे पेज में आता है। तो पेज ब्रेक क्या करता है, उसको नेक्स्ट पेज में ले जाता है। लेकिन ब्लैंक पेज क्या करता है कि दोनों के बीच में एक नया पेज ऐड कर देता है। क्लियर है? और बैक स्पेस करेंगे तो फिर वापस अपने पेज पे आ जाएंगे, वो पेज रिमूव हो जाएगा, जस्ट पेज। तो ये पेजेस समझ में आ गए, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये तीनों चीज समझ में आ गया ममता जी एंड मिस्टर खान? जी सर, जी सर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं टेबल के ऊपर। टेबल जैसे कोई लिस्ट आपको अपने वर्ड में ऐड करना है, जैसे मुझे मान लीजिए कोर्सेज की ऐड करना है, एक लिस्ट, एक टेबल ऐड करना, तो यहां से हम टेबल इंसर्ट करते हैं। तो पहले पता होना चाहिए कितने रो, कितनी कॉलम चाहिए आपको। तो मुझे चाहिए सीरियल नंबर, नेम, कोर्स, क्लास, क्लास, कोर्स, ड्यूरेशन एंड फीस। और मुझे 10 बच्चों के या 5 बच्चों के लिए बनाना है, तो हम यहाँ पे इसको कर दिए। अब मैं इसकी हेडिंग यहाँ डालता हूँ, सीरियल नंबर, नेम, कोर्स, क्लास, फीस एंड ड्यूरेशन। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कॉलम को कम रखना है, किसी को ज्यादा रखना है, तो लाइनिंग पे कर्सर ले जाए इस तरह का, अगर माउस पॉइंटर बने तो फिर इसको आप इसको छोटा कर सकते हो, और किसी को चाहो तो बड़ा कर सकते हो। बड़ा छोटा करने का यही तरीका है। अब ये इस तरह से टेबल बना लिए, मान लीजिए कि मुझे चार ही है, मुझे तो और भी इसमें चाहिए, तो आप इसमें रो को इंसर्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करें और यहां पे ऊपर आपको इंसर्ट आता है। इंसर्ट में आपके पास होता है, यहाँ इंसर्ट लेफ्ट राइट जो दिख रहा है होता है, ये सेल इंसर्ट करने का है। लेकिन आपको इंसर्ट रो अबव इसके ऊपर ऐड करना है, या इंसर्ट बिलो इसको नीचे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंसर्ट बिलो कर दूंगा तो बिलो हो जाएगा, मुझे और भी चाहिए तो हर बार इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास एक F4 का ऑप्शन होता है। F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। एक बार एक चीज जो अप्लाई आपने कर दिया, चाहे जो भी फंक्शन हो, फिर F4 दबाओगे तो उसको रिपीट कर देगा। तो आपके सामने एक टेबल क्रिएट हो गया। इस टेबल के भी अपने अपने डिजाइन्स हैं। इसके लिए आपको ऊपर डिजाइन टैब देखिए दिख रहा होगा, टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले टेबल के ऊपर पहले क्लिक करें एंड गो टू द डिजाइन। डिजाइन में इतने सारे डिजाइन्स है आपके पास, स्क्रॉल कीजिए, जैसा टेबल आप चाहेंगे बनना आपका टेबल उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो टेबल को इस तरह से डिजाइन स्टाइलिश बना सकते हैं। इसकी सेटिंग का कलर अपने हिसाब से जो करना चाहे, बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए मैं हेडिंग को कोई और कलर करना चाहता हूं, तो मैं इसको क्लिक करके मैंने पूरा को सेलेक्ट कर लिया, और इसकी सेटिंग कलर जो है हम चाहते हैं ब्लू रखना, ब्लू हो गया। ठीक है, मैं इसका टोटल रो देना नीचे देना चाहता हूं, टोटल रो आ गया, फीस के टोटल रो पे क्लिक कीजिए, यहां पे करा जैसे यहाँ पे 1500 डाला हमने, 1500 जो भी डालो, यहाँ पे टोटल आ नहीं रहा है, मतलब कि आपको चार टोटल रो, मतलब ये नहीं है कि इसमें टोटल आपको दिखेगा, टोटल दिखाने के लिए दूसरा तरीका है। ठीक है, तो किसी कॉलम को डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं, सेल्स को, रो को यहां से डिलीट कर सकते, यहां से इंसर्ट कर सकते, या इसको यहां से इसका इस्तेमाल होता है। टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे तो आपका टेबल का प्रॉपर्टीज मिलेगा, जैसे कि रो आपका कितना बड़ा होना चाहिए, इसमें टोटल रो 12 है, रो की स्पेसिफिक हाइट अपने हिसाब से रखना चाहते हो,
हिसाब से हटाना चाहते हो या रखना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो। तो वन बाय वन हर एक रो को इस तरह से देखिए बैकग्राउंड में सिलेक्ट हो रहा है। ये प्रॉपर्टी को आप देखिएगा और इसको इसका यूज कीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये तो चलो ठीक है मेरे पास 10 पास, लेकिन मेरे पास मुझे तो बहुत बड़ा टेबल चाहिए, तो इतना बड़ा टेबल चाहिए कि इसके ड्राइंग पार्ट में वो है ही नहीं, इससे भी बड़ा टेबल चाहिए, तो उसके लिए आपको इंसर्ट टेबल पे जाना होगा। इंसर्ट टेबल पे आप यहाँ पे जैसे कि मैंने बोल दिया कि मुझे कॉलम 20 चाहिए और 25 रो चाहिए, क्लिक कीजिए एंड ऑन, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉलम को मर्ज कैसे किया जाए। मर्ज इट मींस मान लीजिए कि मैंने यहां पे एक टेबल लेता हूं मैं यहां पे इंसर्ट चार, ले लिए। अब जैसे कि यहां पे मेरा सीरियल नंबर है और यहां पे मेरा होगा नेम और यहां पे डेट हमने डाल दिया। अब प्रॉब्लम है कि मैं यहां पे इन रखना चाहता हूं और यहां पे आउट रखना चाहता हूं और डेट दोनों में एक ही होना चाहिए, तो मैं इन दोनों डेट को दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, दोनों को सिलेक्ट किया राइट क्लिक किया और मैंने इसको मर्ज कर दिया, मर्ज हो गया। अब मैं इसको यहां से सेंटर कर सकता हूं तो सेंटर हो जाएगा, देखिए सेंटर हो जाएगा। और फिर मैं नेम को ही मर्ज करना चाहता हूं तो मैं इसको इसको भी मर्ज कर देता हूं, तो मर्ज में यहां राइट क्लिक करके हमारे पास आता है मर्ज सेल, उसको करते हैं और इसको भी F4 हमारा लास्ट ऑप्शन होता है रिपीट करने वाला, रिपीट कर देता हूं और मैं इसको फिर हेडिंग को हाईलाइट करता हूं यहां से। ठीक है, और इसको यहां पे सेंटर में आ गए, एक कॉलम छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर। इस तरह से आप मर्ज करके भी अपना हेडिंग क्रिएट कर सकते हो टेबल में। उसके बाद बात होती है ड्रॉ टेबल की। आप टेबल को अगर ड्रॉ करना चाहते हो अपने हिसाब से तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ टेबल का ऑप्शन उठाइए और अपने हिसाब से जो ड्रॉ करना चाहते हैं जैसा, सॉरी यहां से पकड़ना होगा और यहां देख लीजिए सिंगल लाइन बनना चाहिए, डबल लाइन बनेगा तो फिर अलग टेबल बन जाएगा, इसलिए हिसाब से देखिए आप अपने हिसाब से जैसा टेबल जिस जितना बड़ा और जितना छोटा चाहिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। एक कॉर्नर से कॉर्नर होगा, आप चाहो कॉर्नर से एक करना तो नहीं, कॉर्नर से कॉर्नर कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, लेकिन मैं इस सब टेबल में कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता, तो मुझे कैलकुलेशन वाला टेबल चाहिए। तो इंसर्ट में यहां देखिए आपके पास, यहां पे आपके पास एक्सेल स्प्रेडशीट दिख रहा है, एक्सेल स्प्रेडशीट में आए और ये आपका एक्सेल का टेबल ऐड हो गया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अमाउंट का टेबल बनाया और मुझे यहाँ पे कुछ अमाउंट लिख देता हूं मैं, और मैं यहाँ पे इजिली अपना एक्सेल का फॉर्मूला सम लगा के इसकी कैलकुलेशन कर सकता हूं। और ये बुलेट्स दिखाने के लिए मैं यहां से बॉर्डर इस्तेमाल कर सकता हूं, इसको छोटा कर सकता हूं, ठीक है,
क्लियर है। अब इसमें एक चीज और आता है आपका, ये आता है क्विक टेबल। क्विक टेबल क्या करता है, तो टेबल बने बनाए टेबल के फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कैलेंडर वगैरह बने बनाए फॉर्मेट्स है आप इस्तेमाल करो, जैसे कैलेंडर इस्तेमाल कर लाना आपको, या देखिए कैलेंडर सेलेक्ट करके आप कैलेंडर ला दिए यहाँ पे, तो बने बनाए आपके पास फॉर्मेट होता है, आप बने बनाए फॉर्मेट लेके इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मिस्टर खान और कभी तो ममता जी सुन रहे हैं आपको? जी जी सर। तो हमने आज के टॉपिक में आपके साथ डिस्कस किया कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक एंड टेबल्स। टेबल इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो टेबल को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले, ठीक है ना, क्योंकि टेबल हमें बहुत सारे जगहों पे काफी ज्यादा इस्तेमाल करने को मिलता है और उसमें काफी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो इसलिए टेबल पे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद हम अगला चैप्टर रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, जो कि हम कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी सर। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। डाउट है? मेरी थोड़ी सी वीडियो बीच में सर, मेरी थोड़ी सी वीडियो बीच में वो हो गई थी, बंद हो गई थी, तो वो मुझे वीडियो फुल मिलेगा? रिकॉर्ड हो गया है इसमें, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अदरवाइज आज की रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डाल देता हूँ, यूट्यूब से देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाकर। ठीक है सर, मैं देख लूंगा लिंक। ओके बाय, सी यू टुमारो। ओके थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।